उधर कलायत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून का अंतिम कतरा बाकी है, वो कलायत के लोगों के हितों की पैरवी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बल्कि इलाके के पहरेदार हैं, इसलिए हर घर की दहलीज पर न केवल वोट की अपील कर रहे हैं बल्कि उनको मिल रहे जन समर्थन से विरोधी दलों में बेचैनी भी है। बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर 5 साल केवल इस हलके से छल किया, इसलिए बीजेपी को अलविदा करने वालों की कतार लगी हुई है। कलायत तो रण ये मालूम है, कलायत में रण कभी कौरवों के फौजों जीत नहीं सकी। हम पांडवों की धरती थी, पांडु ही जीतेंगे क्योंकि मैं पांडव हूँ और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कौरवों की सेना है, वो कभी मैं मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तकरीबन काफ़ी गांव में गया हूँ, लोगों ने मुझे बताया कि जो जात पात का इन्होंने जहर फैलाया था, जो नफरत का माहौल पैदा किया था, आज वो संपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे।